हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए स्पेशल मैंडरिन फिश की रेसिपी। तो फ्रेंड, वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो चलते हैं आगे वीडियोस में, बने रहें वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये हमारी फिश है, इसको हम इस तरह से कटिंग में काटेंगे। इसमें सबसे पहले तो हमने लेमन जूस डाला, फ्रेश लेमन जूस। उसके बाद इसमें सॉल्ट डालेंगे हल्का सा, ये वाइट पेपर है, ये चिकन सीजनिंग पाउडर है, एक ब्लैक पेपर। इसको हम इस तरह से मिलाएंगे, थोड़ा सा एग इसमें ड्रॉप करेंगे, एक गार्लिक और ये जिंजर है। इसका मैरिनेशन ये तैयार हो चुका है, इसको हम इस तरह से मिलाएंगे बढ़िया से। इसको मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे सॉस, ऑयस्टर सॉस। ये कुकिंग ऑयल है और ये फिश ऑयल। तो फ्रेंड, हमने इसको इस तरह से मिलाने के बाद ये हल्का सा चिली फ्लेक्स इसमें ऐड करेंगे। एक अच्छी मैरिनेशन ये इसमें तैयार हो चुका है फिश। इस तरह से हम इसको इस तरह से रखेंगे, एक दो घंटे के लिए इसको रखेंगे या आधा घंटे के लिए। उसके बाद हम ये चीज़ करेंगे, इसमें ये मैदा डाला और ये कॉर्नफ्लोर है, इतना ये सब कुछ करने के बाद हम इसको मिलाएंगे। अब ये कॉर्नफ्लोर है प्लेट में, इस तरह से कॉर्नफ्लोर को फैलाएंगे हम। उसके बाद हम फिश के एक एक पीस करके हम दोनों तरफ से लगाएंगे। ऐसा करने से हमारा ये फिश एकदम क्रिस्पी और टेस्टी, बहुत अच्छा फ्राई होता है। इस तरह से पूरा जो लेयर है उसको बाहर से लगाएंगे। फ्रेंड, ये सारा फिश ऐसे हमने फ्राई करना है धीरे धीरे। तो फ्रेंड, इसका फ्लेम थोड़ा सा स्लो करने के बाद ये हाफ डन हो चुका है। फिर इसको हम थोड़ा और फ्राई करेंगे पूरी तरह से। अब ये फिश हमारा फ्राई हो चुका है, पूरी तरह से पक चुका है, क्रिस्पी एकदम टेस्टी फिश। अब अगला प्रोसेस रहेगा हमारा, ये कुछ वेजिटेबल हैं, मशरूम, ब्रोकली, कैरेट, और इसको हल्का सा ब्लांच करेंगे। ब्लांच करने के बाद हम इसको एक बर्तन में निकाल देंगे। तो फ्रेंड, फिश को हमने इस तरह से प्लेट में सजाया, जो साइड में है वो क्रिस्पी नूडल है और हमारे ये वॉक है। इसमें हम इसकी सॉस बनाएंगे हल्की सी, ये गार्लिक है और ये जिंजर, ये चॉप चिल्ली है। इसको ब्राउन करेंगे गार्लिक जिंजर को। ये थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, ये चिल्ली पेस्ट, ये हमारा ऑयस्टर सॉस इसमें इस तरह से डालेंगे, और ये डार्क सोया सॉस। तो फ्रेंड, इसमें सीजनिंग करेंगे, ये सीजनिंग पाउडर है, ये वाइट पेपर और नमक इसमें डालेंगे। इसको थोड़ा थिक करने के लिए हम थोड़ा सा ये कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसमें। फ्रेंड, ये सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। ये है फ्रेश लेमन, इसमें थोड़ा सा फ्रेश लेमन जूस डालने के बाद हम इस तरह से मिलाएंगे। फ्रेंड, ये सॉस बन के तैयार हो चुकी है। इसमें जो हमारी वेजिटेबल है उसको हम ऐड करेंगे इसमें पूरी तरह से। इसको पूरे सॉस में लपेटने के बाद हम जो हमारी फिश है
उसके ऊपर हम इस तरह से डाल देंगे। अब ये हमारा मैंडरिन फिश तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें ताकि मैं और भी वीडियोस बना सकूं आप लोगों के लिए। तो धन्यवाद।